चलिए सुनिए, डीपीपी का क्वेश्चन नंबर कौन सा चाहिए? 5 नंबर। डीपीपी का क्वेश्चन नंबर 1 बहुत आसान है, बन गया होगा। 5 नंबर। चलिए सुनिए 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 सुनिए, सुनो शांति से। कहे क्या कि अगर कोई भी दो वेक्टर है, वेक्टर आर वन इक्वल टू मान लो एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप प्लस जेड वन के कैप, और एक दूसरा वेक्टर दे दे आर टू इक्वल टू एक्स टू आई कैप प्लस वाई टू जे कैप प्लस जेड टू के कैप, ऐसा वेक्टर दे दे और आपसे पूछे कि बताइए कि वेक्टर आर वन और वेक्टर आर टू रैखिक है कि नहीं है, रैखिक है कि नहीं है। रैखिक होने का मतलब क्या हुआ बेटा, कि या तो एक समान दिशा होगा या तो अपोजिट डायरेक्शन होगा। इस दोनों ही केस में तुम देखना कि जो तुम्हारा एक्स वन बाई एक्स टू आएगा, जो तुम्हारा वाई वन बाई वाई टू आएगा, और जो तुम्हारा जेड वन बाई जेड टू आएगा, वो तीनों आएगा क्या बराबर? बोर्ड हैंग कर रहा है। जो तुम्हारा जेड वन बाई जेड टू आएगा वो भी क्या आएगा? बराबर। चार बार जेड वन लिखा गया, जेड जेड वन बाई जेड टू जो आएगा वो क्या आएगा? बराबर। अगर इस कंडीशन को कोई भी वेक्टर सेटिस्फाई कर देता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? लीनियर कहेंगे। क्या कहेंगे? रैखिक कहेंगे। या फिर दूसरा चीज आप लोग देख लीजिए कि अगर आर वन इक्वल टू लैम्बडा टाइम्स आर टू आ जाए, इसको भी जरा सा ध्यान से देखोगे तो यही चीज है क्या? आर वन बाई आर टू इक्वल टू क्या? लैम्बडा, और लैम्बडा है क्या चीज? कॉन्स्टेंट। आर वन बाई आर टू का मतलब वही हो जाएगा फिर से, एक्स वन बाई एक्स टू इक्वल टू वाई वन बाई वाई टू इक्वल टू जेड वन बाई जेड टू। तो आप देख लीजिए कि अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो आपका वेक्टर क्या हो जाएगा? कोलिनियर हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। तो देखो भाई, जो वेक्टर है तुम्हारा दिया हुआ वो कितना है दिया हुआ? 3i प्लस 6j माइनस 4k, ये ना है? नहीं, -12 के है। तो -12 के है तो ये है कितना? -12 के। और दूसरा वेक्टर है कितना? 2i प्लस 4j माइनस 8k। आप देखिए तो एक्स वन बाई एक्स टू लेंगे कितना आएगा, वाई वन बाई वाई टू लेंगे कितना आएगा, और जेड वन बाई जेड टू लेंगे कितना आएगा? देखो काट दो इसको, काट दो 4 से माइनस गया सारा, आ गया 3/2 बराबर 3/2 बराबर बराबर है सारा, बराबर है मतलब लीनियर है। क्लियर? अगला नंबर बोलिए। अगला नंबर, यदि ओपी वाला किसी का क्वेश्चन ये भी है, ओपी है कि ओ का नियतांक कितना और पी का नियतांक कितना है। चलो ध्यान दो, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए डीपीपी का कौन सा नंबर? 2 नंबर। सुनो, मैं क्या बोला था कि कोई भी अगर वेक्टर है, सुनो, कोई भी वेक्टर है, इसका नाम दे रखा है ओपी, और अगर मान लो कि ओ का कोऑर्डिनेट है एक्स वन वाई वन और जेड वन, और P का कोऑर्डिनेट है कितना? एक्स टू वाई टू और जेड टू। तो आपको मैं बोला था क्या कि जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है? इस वेक्टर का लेंथ होता है, और लेंथ निकालने के लिए आप डिस्टेंस फॉर्मूला ओपी इक्वल टू पढ़े थे कितना? रूट अंडर एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर प्लस जेड टू माइनस, बस इतना तो करना है आंसर आ जाएगा क्या? ये बहुत घटिया सवाल। अगला बोलो, अगला कौन सा? 9 नंबर। यदि एक्स एक्स के साथ 30 डिग्री 60 डिग्री वाला, तो 9 नंबर। चलिए देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, देखिए डीपीपी क्वेश्चन नंबर कितना? 9। सुनिए क्या दे रखा है कि एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है अल्फा वो कितना? 30 डिग्री। वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है बीटा वो कितना? तो पूछ रहा है कि जेड एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा जो गामा वो कितना होगा, यही पूछ रहा है। देखो भाई, तुम
तुमको मैं पढ़ाया हुआ हूँ कभी क्या, कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा कितना होता है? कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू वन। इसका मतलब ये हुआ कि कॉस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू कितना हो जाएगा? कॉस 30 का वैल्यू कितना है? रूट थ्री बाई टू का स्क्वायर करोगे तो 3/2, प्लस कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1/2। 1/2 का स्क्वायर करोगे तो प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू कितना? देख इसका एलसीएम ले ले 4, ये भी हो जाएगा 3 + 1, 4/4 कट के कितना? प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू कितना? इसका मतलब 1 + cos² γ जो हो गया वो तुम्हारा कितना हो गया? इसका मतलब कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 - 1 जो हो जाएगा कितना? इसका मतलब कॉस गामा बराबर हो गया कितना? इसका मतलब गामा बराबर हो गया कितना? बस सेवा समाप्त। 17 नंबर है। ओ यार चलो देखो, ये 17 नंबर क्वेश्चन क्लास में करवाया हुआ है भाई, 15 बार डाटा बदल सकता है, क्वेश्चन वही है। चलो देखो, वेक्टर आर बराबर क्या कह रहा है? वेक्टर आर बराबर कह रहा है 4i + 3j + k। सुनो, और कह रहा है कि f बराबर जो है वो कितना है? 5√26। तो कह रहा है क्या कि फोर्स को लिखिए वेक्टर में। अब सुनो, इसमें अगर हम r कैप से मल्टीप्लाई कर दें तो ये फोर्स वेक्टर हो जाएगा क्या? आपको क्या कह रहा है कि एक कोई वेक्टर है r और जो फोर्स f है वो इसी के डायरेक्शन में लग रहा है, मतलब r कैप से अगर हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसको डायरेक्शन मिल जाएगा, डायरेक्शन मिल जाएगा। तो पहले r कैप निकालो, r कैप इक्वल टू क्या पर हो? वेक्टर r बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो वेक्टर r है कितना भाई? 4i + 3j + k, और नीचे √4² + देखो कितना आ जाएगा, 4i + 3j + k, और नीचे आ जाएगा कितना? 16, 9, 25, 1, 26, है ना। अब देखो कि वेक्टर f बराबर जो लिखोगे वो कितना लिखोगे? 5√26 × r कैप के जगह पर कितना लिखोगे? ये पूरा कितना है भाई? 4i + 3j + k, और नीचे में कितना? √26 से √26, 5 से गुना करोगे कितना आ जाएगा? +15j + 5k। सॉल्व क्या? आ जाओ, कोई समस्या? 17 नंबर में कोई समस्या? अगला नंबर 3 नंबर, ऐसे बोलो ना सर, एक तरफ से, एक से लेके बनाई दीजिए क्या? 13 नंबर, अरे यार बक घर से नोट्स रिवाइज करके आओ यार, ये प्रूफ करवाया है वो है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, कुछ भी रहे वेक्टर इक्वल टू 1 ही होना है। अभी पिछले सवाल में यूज भी किया है, घर पे जाके देखिए, कॉपी रिवाइज कीजिए, ये करवाया हुआ है क्लास। अब सुनो, अभी तक मैं जो भी क्वेश्चन किए थे वो एकदम यूनिट वेक्टर तक का क्वेश्चन था आपका, ट्रायंगल लॉ, पैरेलोग्राम लॉ, पॉलीगॉन लॉ और रिजोल्यूशन, इस 4 टॉपिक पर क्वेश्चन हम लोग अभी तक नहीं किए हैं। तो आज क्लास में कोई ऐसे भी शख्स हैं जिनका आज पहला दिन है? चारों आ जाओ सामने, आ जाओ आगे आ जाओ, और जरा सा ये बताएंगे आप लोग ईमानदारी से कि कितने लोग हैं जो होमवर्क करके नहीं आए हैं? खड़े हो जाइए जो होमवर्क करके नहीं आए हैं वो खड़े हो जाइए, ईमानदारी से खड़े हो जाइए। क्या करें आप लोगों को बोलिए, पीट दें? नहीं, वो फालतू बात नहीं, एक्सक्यूज कुछ नहीं, नहीं बनाए हैं तो एक्सक्यूज मत दीजिए कि घर पे बनाए हैं, कॉपी घर पे छूट गया, ये वो, एक्सक्यूज कुछ नहीं सुनना है, वो सब पुराना डायलॉग हो गया यार कि कॉपी घर पे छूट गया, बोर्ड पे बनाए थे मिटा दिए फिर से, ये सब पुराना डायलॉग है, ये सब हम ही लोग अपने ज़माने में मारते थे। कुछ नया लाओ कि सर गर्लफ्रेंड से मिलने चले गए थे इसीलिए नहीं बनाए, सर इको पार्क चले गए थे इसीलिए नहीं बनाए, घूमने चले गए थे नहीं बनाए, ये सब डायलॉग थोड़ा सुनने में अच्छा लगेगा,
यही डायलॉग मारते हो। कितने लोग हैं? 2, 3, 5, 6, 7, इसमें से कितने लोग हैं जिनको डीपीपी नहीं मिला है? आपको डीपीपी नहीं मिला है? क्यों नहीं मिला आपको? कल आए थे? कल नहीं आए थे? बैठ जाइए, तुम बोलो तुम्हारा क्या समस्या है। आ? नहीं बनाए हैं जानबूझ करके, मन नहीं किया, आज तो छोड़ दे रहे हैं, अगले दिन से नहीं छोड़ेंगे। बैठ जाओ। हाँ, सबको बैठने नहीं बोले हैं, वन बाय वन बोलिए आपका क्या समस्या है। क्या नागा हो गया था, अब नंगा करके मारेंगे? बैठ जाओ, बोलो। तुम नहीं बन पाया, अब घर से बना के लाइएगा। आप बनाए थे, अटेम्प्ट किए थे? अटेम्प्टेड किए हैं इसका मतलब होमवर्क डन। बनना या नहीं बनना बाद की बात है, अटेम्प्ट किए हैं दिखाइए कॉपी, कहाँ अटेम्प्ट किए हैं? नहीं लाए हैं? नहीं, होमवर्क का सुनो। बैठ जाओ, तुम्हारा क्या समस्या है? टाइम नहीं मिला? ओ माय गॉड यार, अभी कितना उम्र हुआ है हम बता रहे, सुनो। मान लो अभी शादी नहीं हुई है, अकेले हैं, शादी हो भी जाए और दो चार को बाल बच्चा रहे, एक दो को शादी हो जाए, फिर भी टाइम निकाल लेंगे पढ़ाने का, समझ रहे हो? टाइम नहीं मिला, गजब बात है। बैठिए आप। क्या आज सेकेंड डे है? तो सेकेंड डे का मतलब क्या होता है? नहीं बना, पीछे वाला पढ़ाई नहीं किए हैं, एडमिशन ले लीजिए और वीडियो से पढ़ लीजिए। बैठिए, तुम तो रेगुलर आते हो, आते हो ना रेगुलर, फिर होमवर्क क्यों नहीं किए? आप ही सोचिए अपने मन में कि गलत बात है कि नहीं है। गलत बात है, अगले दिन से फिर शिकायत मिलेगा, हम तुम्हारा चेहरा पहचान गए हैं। बैठ जाओ, तुम बोलो। कॉपी में नहीं बनाए थे, अगले दिन से कॉपी में बनना चाहिए। बैठो इधर। महिला विभाग में कितने लोग हैं जो होमवर्क नहीं बनाए हैं? महान विभाग में बोलिए, बनाए हैं सारे लोग? हैं? चलिए ठीक है। तो भाई साहब, बात है यूं कि तुमको एक सलाह मैं देता हूं, क्या कि जो तुम्हारा नोट्स बनता है क्लास नोट्स, वो एक अलग कॉपी बनाओ और होमवर्क कॉपी एक अलग कॉपी बनाओ, और वो दोनों कॉपी क्लास में प्रेजेंट रहना चाहिए। अगर पढ़ना है तो, और नहीं पढ़ना है तो हमको कोई मोहमाया नहीं है तुमसे। क्लियर सी बात है। आज आप लोगों का पहला दिन है, 11th पढ़े हैं कहीं पर, नहीं पढ़े हैं तो भाई साहब आज के लिए आपसे क्षमा चाहेंगे, आज आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आज खाली सवाल बनाना है पीछे जो पढ़ाए हैं उस पर। ठीक है, तो आज खाली देखिए, प्रयास करिएगा तो थोड़ा बहुत बुझाएगा, लेकिन रेगुलर क्लास करिएगा तो बुझाने लगेगा। समझ में आ गई बात? चलिए, तो भाई साहब आज क्वेश्चन हम लोग करेंगे जिसमें होगा तुम्हारा क्या चीज, ट्रायंगल लॉ, ठीक ना, जिसमें होगा तुम्हारा क्या, पैरेललोग्राम लॉ, जिसमें होगा क्या तुम्हारा, पॉलीगॉन लॉ, ठीक ना, जिसमें होगा क्या तुम्हारा, रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन सुनिए, एक बार आप लोग इस चीज को याद होगा आप लोगों को कि क्या चीजें थी। पहला क्वेश्चन उठाओ, कह रहा है क्या, कह रहा है क्या कि यदि तीन वेक्टर है, यदि वेक्टर ए बराबर 2i कैप + 3j कैप + b k कैप, बोलिए, उतना नहीं पहुंच पाता है, लाइट आ रहा है उधर, अच्छा थोड़ा सा पीछे होके बैठना कल, ठीक है तो आएगा। और अगर वेक्टर बी दूसरा दे रखा है, कितना, वेक्टर बी दे रखा है 3i + aj कैप + 4k कैप, और वेक्टर सी इक्वल टू दे रखा है आपके पास कितना, ci कैप + 3j कैप + 4k कैप, ये तीन वेक्टर दे रखा है। ठीक है, कह रहा है क्या कि यदि वेक्टर ए, वेक्टर बी तथा वेक्टर सी का परिणामी सदिश, का परिणामी सदिश, का परिणामी सदिश शून्य है, का परिणामी सदिश शून्य का मतलब जीरो है, तो ए बी तथा सी का मान ज्ञात करें। ए बी तथा सी का मान
ज्ञात करें। पहला ही क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। अब सुनो सवाल में क्या कह रहा है भाई, कह रहा है क्या कि ए बी तथा सी का परिणामी सदिश कितना है, शून्य है। तो परिणामी सदिश जो वेक्टर आर बराबर तुम लिखते हो वो क्या लिखते हो, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर। अब ये कह रहा है कि रिजल्टेंट है कितना, जीरो का मतलब जीरो आई प्लस जीरो जे प्लस जीरो। जीरो का मतलब क्या हुआ, सारा चीज जीरो। इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, तीनों दिया हुआ है। तो देखो ए प्लस बी प्लस सी में जब जोड़ोगे तो आई वाला ये टर्म है, कितना आ जाएगा, दो तीन पाँच प्लस सी, फाइव प्लस सी के साथ कितना, जे वाले को जोड़ोगे तो देखो कितना आएगा, तीन तीन सिक्स प्लस ए आएगा कि नहीं, प्लस सिक्स प्लस ए कितना, जे कैप है ना, सिक्स प्लस ए कितना, प्लस देखो इस तीसरे वाले को के वाले को देखोगे तो एट प्लस बी, एट प्लस बी कितना। अब देखो कह रहा है कि दोनों बराबर है, इसका मतलब इधर आई का जितना गुणनफल है उधर इतना होगा, तो फाइव प्लस सी बराबर कितना हुआ, तो सी बराबर कितना आ गया। उसी तरीके से देखो जे बराबर यहाँ जितना उतना ही, मतलब सिक्स प्लस ए बराबर कितना, तो ए बराबर कितना। और तीसरा में देखो कि एट प्लस बी बराबर भी कितना, यानी कि बी बराबर कितना, ए बी से निकल गया कि नहीं निकल गया, बात समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। चलिए अगला सवाल आप लोग बना करके दिखाएंगे चट से, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है क्या कि यदि 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 एन आई प्लस ए जे प्लस बी के तथा तथा ए आई माइनस बी जे प्लस ए के, यहाँ पे लिखना ए आई माइनस बी जे, ठीक है, और प्लस फाइव के, फाइव के का परिणामी सदिश शून्य है, का परिणामी सदिश, का परिणामी सदिश कितना है, शून्य है, का परिणामी सदिश शून्य है, तो ए तथा बी का मान होगा, ए तथा स्मॉल बी है ठीक ना, ए तथा बी का मान ज्ञात करें, का मान ज्ञात करें। चलिए जल्दी से बना करके दिखाइए, तो दोनों का माइनस दस कैसे बनाए हो, कैसे बनाए हो, लिख के बनाए हो, लिख के बनाए हो। चलो आते हैं कॉन्सेप्ट पे। भाई साहब कह रहा है कि परिणामी सदिश मतलब वेक्टर आर बराबर कितना लिखोगे, वेक्टर ए प्लस, कोई दिक्कत। तो वेक्टर आर के बारे में क्या कह रहा है कि कितना है ये, जीरो का मतलब कितना, जीरो आई प्लस जीरो जे प्लस जीरो। अब देखो वेक्टर ए के बारे में कह रहा है कितना, कि ये है टेन आई और इधर है ए आई, तो कितना हो जाएगा, टेन प्लस ए टाइम्स आई कैप। इसके बारे में क्या कह रहा है, जे वाले के बारे में, इधर ए जे और इधर, तो ए माइनस बी जे कैप। और इसके बारे में क्या कह रहा है, के वाले के बारे में, बी प्लस फाइव टाइम्स के कैप। अब आप जरा सा ध्यान से देखिए कि यहाँ आई के साथ है टेन प्लस ए और यहाँ आई के साथ है कितना, इसका मतलब टेन प्लस ए कितने के बराबर, ए बराबर कितना, यहाँ पे देखो जीरो है और इधर कितना है ए माइनस, यानी कि ए बराबर कितना होगा बी। तो यहाँ से जो है अगर आप निकालेंगे तो वैल्यू, अच्छा थोड़ा सा डाटा उल्टा पुल्टा आ रहा है, नहीं कभी इसका रिजल्टेंट जीरो हो ही नहीं सकता है। इस डाटा को क्या करो, टेन ले लो, इसको क्या करो, टेन ले लो, तो यहाँ भी आ जाएगा कितना, टेन। तो अब ए इक्वल टू बी आ गया, मतलब ए और बी जो है दोनों किसके बराबर हो जाएगा, और यहाँ से जब सॉल्व करिएगा तो बी प्लस टेन ये भी कितना आ जाएगा, तो यहाँ से बी बराबर कितना, माइनस टेन। इसका मतलब ए का भी वैल्यू माइनस टेन और बी का भी वैल्यू। ये था तुम्हारा क्या चीज़, अभी तक ट्रायंगल लॉ कि जो रिजल्टेंट होता है वो सारे इंडिविजुअल वेक्टर के सम के बराबर में होता है। लेकिन सर आप तो पढ़ाए हैं ये चीज़ कि सारे एक ही क्रम में हो तब, सारे एक ही क्रम में हो तब रिजल्टेंट को ए प्लस बी लिखते हैं। तो भाई साहब तुम ये बात बताओ, मान लो क्या कि मेरे पास कुछ वेक्टर्स हैं, मान लो कि मेरे पास कुछ वेक्टर्स हैं
और उस वेक्टर में एक वेक्टर है यहाँ पे वेक्टर ए, एक दूसरा वेक्टर है यहाँ पे वेक्टर बी, एक तीसरा वेक्टर है यहाँ पे वेक्टर सी। अब इस सब के बारे में हमको नहीं पता चल रहा है कि ये एक ही क्रम में है कि नहीं है, है ना। अब लेकिन तुमको तो ये पता है कि किसी भी वेक्टर को अगर हम समानांतर शिफ्ट करते हैं तो वेक्टर पे कोई फर्क, तो अब क्या करो, इसको तुम समानांतर शिफ्ट करना शुरू करो। तो ये बताओ, इसको उठा करके यहाँ ले आएंगे तो कोई दिक्कत, एक ही क्रम में है क्या? अगर हम इसको उठा करके यहाँ पर लगा देंगे तो कोई दिक्कत, एक ही क्रम में हो गया। अब जो रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट कौन सा होगा? तो रिजल्टेंट होगा पहले वेक्टर के टेल से अंतिम वेक्टर को, हेड को मिलाने वाला एक वेक्टर। अगर इस वेक्टर को बोलते भाई वेक्टर ए, इसको बोलते बी, इसको बोलते सी और इसको बोलते आर, तो सीधे आर बराबर कितना लिखते? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा तुमको सजा करके दे। अगर सजाया हुआ नहीं रहेगा तो हम उठा उठा करके समानांतर शिफ्ट करके क्या करेंगे? सजाएंगे और उसके बाद रिजल्टेंट निकालेंगे। बात समझ में आई? तो अब सेम ऑर्डर अपोजिट ऑर्डर से डरना नहीं है। अगर नहीं दिखे कुछ भी, अलग अलग जगह पर दिखे, तो पहले क्या करो, सबको तुम अरेंज कर लो। कैसे? समानांतर शिफ्ट करके। समानांतर शिफ्ट करने से ना तो इसका परिमाण बदला, ना ही इसकी दिशा बदली। अब जब परिमाण और दिशा नहीं बदला, इसका मतलब क्या हुआ कि एक ही क्रम में तो है, वेक्टर वही है, तो रिजल्टेंट पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। कोई दिक्कत इसमें? नहीं कोई दिक्कत। अब चलिए, अब कह रहा है क्या, अब कह रहा है क्या, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है क्या कि यदि किसी कण पर, यदि किसी कण पर दो बल 6 न्यूटन तथा 8 न्यूटन, 6 न्यूटन तथा 8 न्यूटन, 6 न्यूटन तथा 8 न्यूटन 60 डिग्री पर, 60 डिग्री पर आरोपित हो रही है, 60 डिग्री पर आरोपित हो रही है, तो परिणामी बल का, तो परिणामी बल का परिमाण तथा दिशा ज्ञात करें। तो परिणामी बल का परिमाण तथा दिशा ज्ञात करें, तथा दिशा ज्ञात करें। चलिए जल्दी जल्दी बनाइए। तो देखिए क्या कह रहा है, एक कोई सा कण है, इस कण पर एक बल लग रहा है कितने का? 6 न्यूटन का। एक बल लग रहा है कितने का? 8 न्यूटन का। दोनों के बीच का कोण है कितना? तो आपको कह रहा है क्या कि रिजल्टेंट फोर्स बताइए, मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन में भी, है ना? ठीक है, चलिए प्रयास करिए फटाफट, सोचिए क्या करना है, प्रयास करो करो, प्रयास बनाओ, बन जाएगा। बनाओ, ठीक तो कर रहे हो, करो, पैरेललोग्राम लाओ, लगाओ, बन जाएगा। रूट 37। बन गया। दूसरा में अगर यही कोण कर दिया है 6 न्यूटन और 8 न्यूटन, और यही कोण कर दिया है कितना? 90 डिग्री, तब परिमाण निकालिए। ठीक है, चलो देखो, सीधे मैं क्या बोला था भाई कि दो वेक्टर हो और पैरेललोग्राम का दो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड हो, दो वेक्टर हो और पैरेललोग्राम का क्या हो? दो कॉरेस्पॉन्डिंग। तो इस दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग साइड को मानते हुए तुम क्या करो, मन में एक पैरेललोग्राम बना लो। देखो मन में एक पैरेललोग्राम बन गया कि नहीं बन गया? अब क्या बोला था कि इसका जो डायगोनल होगा वही डायगोनल क्या होगा? रिजल्टेंट। डायगोनल यहां से कौन सा? ये वाला, यही हो जाएगा क्या तुम्हारा? रिजल्टेंट आर, है ना। अब देखिए कि यहां पर आपके पास ए बराबर कितना है? 6 न्यूटन का, बी बराबर कितना है? 8 न्यूटन का, और थीटा बराबर है कितना? 60 डिग्री। बेटा तुमको याद होगा कि रिजल्टेंट का फॉर्मूला तुम क्या पढ़े हो, रूट अंडर
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा डाल दो वैल्यू। जब वैल्यू डाल दोगे तो कितना आ जाएगा, रूट अंडर सिक्स का स्क्वायर प्लस एट का स्क्वायर प्लस टू इंटू सिक्स इंटू एट इंटू कॉस 60 डिग्री। वैल्यू कितना, दो से दो को काट दो, ये हो जाएगा कितना, रूट अंडर 36 प्लस ये हो जाएगा कितना, प्लस ये हो जाएगा कितना, तो रूट अंडर कितना आ जाएगा, ये 140। देख लेना कितना आएगा, जो क्लियर है इतनी बात है। अब देखिए कि एंगल निकालने में सबका वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट आया होगा, ठीक ना। क्यों आया होगा, तो कोई आदमी होंगे जो इस 8 को नीचे लिए होंगे, 6 को ऊपर लिए होंगे, वो भी गलत नहीं है। तो आप जो भी अल्फा निकाले हैं, वो जो 8 को नीचे लिए हैं वो 8 के साथ अल्फा एंगल, ठीक ना, और जो 6 को नीचे लिए हैं वो 6 के साथ अल्फा एंगल निकाले हैं, तो दोनों के साथ अलग अलग कोण बनेगा ऑब्वियसली। समझ में आ रहा है बात, और आंसर इसमें डिफर कर सकता है आपका, क्लियर है इतनी बात है। चलिए देखिए, तो अगर 6 डिग्री के साथ निकालेंगे कोण, तो बेटा टेन अल्फा इक्वल टू कितना पड़े हुए हो, बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। अब देखो इसमें वैल्यू डालो, तो बी साइन थीटा का मतलब कितना हुआ, 8 इंटू साइन 60 डिग्री कितना, √3/2 है ना, √3/2। और नीचे देखो ए प्लस, तो ए का मतलब कितना, 6, और प्लस बी इंटू साइन कॉस 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री का मतलब कितना, 2 से कटेगा 4 बार में, और ये 2 से कटेगा कितना बचा, 4√3 ऊपर बचा, और ये 6 और प्लस 4 कितना बचा, 10, 2 से कट जाएगा, 2 2 4 2 5 10 कितना हो गया, 2√3/5। इसका मतलब जो अल्फा हुआ वो अल्फा इक्वल टू कितना हुआ, 10 इनवर्स 2√3/। क्लियर, जो लोग बीटा निकाले होंगे उसमें ये कहानी पलट के आई होगी, ठीक ना, समझ में आया, कोई दिक्कत है इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है क्या, कह रहा है क्या, अगला क्वेश्चन में कह रहा है, जो देखो ध्यान से देखो, कह रहा है कि एक सरफेस है, इस सरफेस पर 3 फोर्स लग रहा है। एक पहला फोर्स लग रहा है ऐसे, ठीक है, एक दूसरा फोर्स लग रहा है ऐसे, और एक तीसरा फोर्स लग रहा है ऐसे। इस तीनों फोर्स का मैग्नीट्यूड तुमको दिया हुआ है। कह रहा है ये है तुम्हारा 20 न्यूटन, ये है तुम्हारा 15 न्यूटन, और इस फोर्स के बारे में कह रहा है ये है कितना, 6√2 न्यूटन, ठीक है। अब कह रहा है कि अगर ये एंगल आपका है 45 डिग्री, ये एंगल है आपका 53 डिग्री, और ये एंगल है आपका 37 डिग्री, तो आपको फाइंड करना है क्या, आपको फाइंड करना है क्या कि एफ एक्स कितना होगा, आपको फाइंड करना है कि एफ वाई कितना होगा, और आपको फाइंड करना है कि एफ नेट कितना होगा, ठीक ना। और इसी एफ नेट को आपको क्वेश्चंस में अलग दे देगा क्या, कि फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ, क्या, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस, कि सारे बल का जो है आप क्या बताइए, परिणामी बल बताइए, इसी को क्या कहेगा, एफ नेट कह देगा। अब इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करना है तो पिछले दिन बताया था क्या, रिजोल्यूशन, और इस रिजोल्यूशन में तुमको कुछ नहीं समझ में आ रहा है सर, सारे उसमें एक जगह से होते थे, आप अलग अलग जगह लगा दिए, तो फिर मैं तुमको बता रहा हूँ भाई साहब कि अलग अलग जगह है, तो तुम समानांतर क्या कर सकते हो, इसको उठा करके यहाँ लगा दोगे तो एंगल 37 का 37 ही रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा, 37 का जब 37 ही रह जाएगा, ये एंगल देखो, अच्छा लाइन के साथ ही शिफ्ट हो रहा है, नहीं चलो अब ठीक शिफ्ट हो रहा है ना, तो ये एंगल कितना रह जाना है, 37 का 37 ही। इसी तरीके से तुम इस वेक्टर को भी शिफ्ट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, कर सकते हैं, इस वेक्टर को जब शिफ्ट कर देंगे तो बताइए ये भी एंगल कितना रह जाएगा, 45 ही रह जाएगा, ये एंगल भी रह जाएगा 45 ही। अब देखिए एक ही पॉइंट पर है सारा कि नहीं है, अब भाई अगर मन करे तो इसको एक्स एक्सिस मान लो, और इसी के परपेंडिकुलर इसी पॉइंट से एक वाई एक्सिस बना लो, इसी के परपेंडिकुलर क्या करो, यहां से एक वाई एक्सिस बना लो,
अब देखो, अब तो सवाल आसान हो गया। तो अगर अलग अलग जगह पर सवाल रहे तो आप क्या करिए, पहले एक जगह शिफ्ट कर लीजिए सबको, और शिफ्ट करने के बाद अब रिजोल्यूट करवाइए। तो रिजोल्यूट करवाने के लिए क्या बोला था आपको, जिसके साथ थीटा लगा हो उसके साथ, और जिसके साथ नहीं लगा हो उसके साथ। तो भाई साहब ये बताओ कि ये जो 20 न्यूटन का फोर्स है, अच्छा सर 6 रूट इसको, ये 20 न्यूटन है पता है ना, अब खिसकाऊंगा नहीं। अब देखो ये 20 न्यूटन का है और थीटा एक्स के साथ लगा हुआ है, तो इधर के तरफ कितना आएगा, 20 cos, और जिसके साथ थीटा नहीं लगा हुआ है उसके साथ 20 sin। इसका काम हो गया कि नहीं। दूसरे वाले को देखो, यह है 15 न्यूटन और थीटा लगा हुआ है एक्स के साथ, मतलब एक्स में जो ये आएगा कितना, 15 cos, कितना डिग्री, 53 डिग्री, और इसमें आएगा कितना, 15 sin। हो गया इसका भी काम, इसको उठाओ 6√2 है, थीटा इसके साथ लगा हुआ है, इधर कितना आएगा, 6√2 cos कितना, और इसके साथ नहीं लगा हुआ है तो कितना जाएगा, 6√2 sin 45 डिग्री। इतना क्लियर है? अब सबका वैल्यू निकालो तो देख भाई, फिर से एक बार मैं लिख दे रहा हूँ, कितना साइन 37 डिग्री कितना होता है, 3/5, कॉस 37 कितना होता है, 4/5, साइन 53 कितना होता है, 4/5, और साइन कॉस 53 है ना, और कॉस 53 कितना होता है, कॉस 53 भी होता है कितना, 3/5। मैं बोला था अगर इतना आपको याद नहीं रहे तो आप सीधे सीधे याद रखिए, एक समकोण त्रिभुज जिसकी एक भुजा कितनी हो, 4, एक भुजा हो 3 और एक भुजा हो, तो छोटे भुजा के सामने का छोटा कोण जो होता है कितना, और बड़े भुजे के सामने का बड़ा कोण होता है कितना। बस इस त्रिभुज को याद करिए, इसमें साइन थीटा पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच निकाल लीजिए। अब देखो कि भाई इसका वैल्यू सॉल्व करो, देखो ये कितना आ जाएगा, 15 × sin 53 का मतलब कितना, 5 से कटेगा 3 बार में कितना आ गया, जरा सा इसको सॉल्व करो, 20 × cos 37 का मतलब कितना, 5 से काटो ये कितना आ गया, जरा सा इसको करो, 15 × cos 53 का वैल्यू आएगा कितना, 3/5, 5 से काटो ये आ जाएगा कितना, जरा सा ऊपर आ जाओ, 20 × sin 37, तो 20 × 3/5 से काटो, 4 बार में कितना हो गया, और जरा सा इसको करो ये कितना हो जाएगा, 6√2 × sin 45 का वैल्यू 1/√2 से √2, ये कितना 6। अच्छा इस 20 को यहां से हटा ही दो तो ज्यादा अच्छा लगेगा, 20 को क्या करिए आप, यहां से उठाइए और इधर चेप दीजिए, क्या 6 हो गया। अब जरा सा देखो ये बच रहा है खाली, तो जब ये खाली बच रहा है तो देखो, तो 6√2 × cos 45 भी कितना, √2 से √2 गया, कितना बचा। अब फाइनल काम पर आ जाओ, अब फाइनल काम पे आ जाओ, कहाँ, तो एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाओ, बना दिए सर, इधर एक्स पॉजिटिव है तो एक्स के पॉजिटिव डायरेक्शन में दो फोर्स लग रहा है, एक 16 का और एक, टोटल कितना लगेगा, टोटल कितना लगेगा, वाई में नीचे के तरफ एक फोर्स कितने का लग रहा है, वाई में ऊपर के तरफ कितना फोर्स लग रहा है, 12 और 6 कितना, 18, और वाई में पीछे के तरफ कितना लग रहा है। अब जरा सा देखो भाई कि एक आदमी तुमको खींचे ऊपर के तरफ 18 न्यूटन से और नीचे के तरफ 12 न्यूटन से, तुम किधर जाओगे, कितना फोर्स लगेगा तुम पर, 6 न्यूटन, क्यों, कि ऊपर अधिक खींच रहा है। अब 6 न्यूटन लगा ऊपर के तरफ, इसका मतलब ये हो गया कितना, ऊपर के तरफ 6 न्यूटन। अच्छा कोई आदमी तुमको आगे खींच रहा है 25 न्यूटन से और पीछे खींच रहा है 6 न्यूटन से, कितने से आगे जाओगे, 19 न्यूटन से, इधर हो गया कितना। अब देखो यही तो एक्स एक्सिस था और यही तो, मतलब एफ एक्स बराबर कितना आ गया, एफ एक्स बराबर कितना आ गया, और एफ वाई बराबर कितना आ गया, 6 न्यूटन प्लस में, क्योंकि ऊपर के तरफ ही है, ये दो काम हो गया। अब जब ये दो काम हो गया भाई साहब, तो तुम देखो कि तुम्हारा एफ एक्स है 19 और एफ वाई है 6, ये है 19 और ये है कितना 6। अब कहेगा कि इसका रिजल्टेंट निकालो एफ नेट, तो ये बताओ कि ये 90 डिग्री पर है कि नहीं है, 90 डिग्री पर है तो भाई साहब इसको मानते हुए एक पैरेलोग्राम बना लीजिए, जो डायगोनल होगा वही क्या होगा, रिजल्टेंट, और इसी रिजल्टेंट को हम लोग क्या बोलेंगे। अब बताइए आपकी एफ नेट इक्वल टू रूट अंडर,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा लिखेंगे, तो देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब कितना, 19 का स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब प्लस 2 × 19 × 6, 2ab कॉस कितना 90 डिग्री। देखो तो कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, तो ये पूरा कितना कितना हो जाएगा, रूट अंडर 19 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, जो भी आएगा वो आंसर में कितना आ गया, 397, रूट अंडर 397 न्यूटन कर दीजिएगा। सवाल सॉल्व, समझ में आया कि नहीं आया, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है। देखिए हर वेक्टर को क्या करिए आप, रिजोल्यूट करवा दीजिए, बस इतना याद रख के क्या कि जिसके साथ थीटा लगा हुआ है उसके साथ और जिसके साथ नहीं लगा हुआ है उसके साथ रिजोल्यूट करवा दीजिए, आपका काम। समझ में आया कि नहीं आया, अगला सवाल तुम लोग बना करके दिखाओगे, ठीक है? तो अगला सवाल बना करके दिखाओ, क्या फिर से कुछ ऐसा क्वेश्चन लेते हैं इस बार। ये है एक सरफेस आपके सामने, एक सरफेस है और इस पर एक वेक्टर लगा हुआ है यहाँ से, एक वेक्टर लगा हुआ है यहाँ से, एक वेक्टर लगा हुआ है यहाँ से और एक वेक्टर लगा हुआ है यहाँ से, का सर चार चार डाल दिए, इस बार तो एकदम माथा खराब होना ही होना है। चल ये 10 न्यूटन, ये 37 डिग्री, ये 15 न्यूटन, ये 53 डिग्री, ठीक ना? ये है तुम्हारा 5 न्यूटन, ये भी है तुम्हारा 37 डिग्री, ये है 5√2 न्यूटन और ये है तुम्हारा 45 डिग्री। बन जाएगा कि नहीं बनेगा, बनाओ बनाओ, हम वेट कर रहे हैं, हर आदमी का कॉपी चेक करेंगे, आराम से बनाओ, पीछे कर दीजिए। अच्छा कौन वाला एंगल लिख दें? अरे यार अभी तक एंगल याद नहीं हुआ, खाली ट्रायंगल लिख देते हैं, एंगल तुम लोग खुद से लिखो। ये ले, ये भाई 3, ये 4, ये 5, तो ये 37 डिग्री और ये 53 डिग्री। चल तू बोलता है तो तेरे प्यार में मैं एंगल भी लिख देता हूँ, साइन 37 डिग्री 3/5, कॉस 37 डिग्री 4/5 और साइन 53 डिग्री 4/5 और कॉस 53 डिग्री, कॉस 53 डिग्री 3/5, साइन 45 1/√2 और कॉस 45 भी 1/√2। क्या थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा लग रहा है ना, आ जाएगा धीरे धीरे आएगा, आपको बीच में नहीं ना समझ में आ रहा है, आ जाएगा, रेगुलर क्लास करोगे आ जाएगा समझ में, ठीक ना? टेंशन लेने की बात नहीं है, क्वेश्चन नहीं ना उतार रहे हो, बनाओ। आ गया, बहुत बढ़िया, भेज दो जरा सा कॉपी। अरे आ जाएगा यार, टीचर हैं तुम्हारे हम ही से सीखे हो हाँ ठीक ही है, 5, 4, 9, 8, 9, 17, ठीक है, जबरदस्त। लो आज बहुत लोग गायब हो गए हैं, बहुत कम लोग लग रहे हो आज, सैटरडे है इसीलिए क्या? अब घर चल गया है? नहीं, बन गया, बहुत बढ़िया। कितना कितना आंसर है नबीन? FX कितना है? 8 न्यूटन। FY कितना है? -4 न्यूटन। और F नेट कितना है?
एफ नेट रूट अंडर 80, 64 और 16 80। अगर सबका आंसर इतना आया है तो आप सही हैं, अगर नहीं आया है देन डू अगेन, फिर से बनाइए। आ गया? कितने लोगों को ऐसा लग रहा है कि हमसे बन जाएगा अगर टाइम मिले आराम से बनाए तो? कितने लोगों को ऐसा लग रहा है कि बन जाएगा टाइम मिले तो? सबको लग रहा है। किससे लग रहा है कि हमसे नहीं बनेगा? किसी को? तुमसे लग रहा है? तुम दोनों से लग रहा है? जगह खाली है? चलो इधर आ जाओ, आगे इस साइड आ जाओ, दोनों लोग इस साइड आ जाओ, आगे बैठा करो। जो लोग कमज़ोर हैं वो आगे बैठिए, तो लट पड़ता रहेगा। अब उतना पीछे जाके मारें तो उतरना पड़ता है, हम भी बहुत बड़े कोरियाट हैं। चलो सामने बैठा करो, जो लोग कमज़ोर हैं वो लोग सामने आके बैठिए। आप क्लास कितने दिन से कर रहे हैं? आ जाओ आ जाओ, मंडे से कर रहे हैं, तो मंडे से सैटरडे हो गया, अभी तक थोड़ा कुछ बुझाया नहीं। घर पे पढ़ते हो? हैं पढ़ते हो पक्का? मम्मी की कसम, अब ये मत पूछना कौन सी वाली। पढ़ो घर पे? घर पे नहीं पढ़ते हो? सही बोल रहा हूँ मैं? सही बोल रहा हूँ ना? घर पे पढ़ो। चलो देखो भाई, क्या बोला कि अगर कुछ नहीं बुझाए तो सारे को क्या करो, एक जगह शिफ्ट कर लो। तो जब सारे वेक्टर को एक जगह तुम शिफ्ट करोगे तो देखो क्या होना है तुम्हारे साथ। इस 10 न्यूटन को यहाँ शिफ्ट करो, ठीक है, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 37 डिग्री। और इस 37 डिग्री को यहाँ से हम मिटा देते हैं, 10 न्यूटन हो गया 37 डिग्री। चलो देखो इधर, इस 5 न्यूटन को क्या करो, इधर शिफ्ट करो। हो गया शिफ्ट, 5 न्यूटन वाला शिफ्ट हो जाएगा, तो ये 5 न्यूटन का ये 37 डिग्री का जो एंगल है वो यहाँ बन जाएगा 37 डिग्री, है ना। तो इस एंगल को यहाँ से मिटाओ और यहाँ पे एंगल लगाओ कितना, 37 डिग्री। और इस 5√2 न्यूटन को भी यहाँ से शिफ्ट करके यहीं पहुँचा दो, है ना। इसको भी क्या करो, यहाँ पहुँचा दो, एक एक करके हम भी पहुँचा ही दे रहे हैं एंगल को, ये ज़्यादा पहुँच जाएगा। चलिए देखिए, ये था कितना, 45। इतना में तो कोई कष्ट नहीं है आपको, एक एक वेक्टर करके रिजोल्यूट करना शुरू करते हैं, एक एक वेक्टर करके रिजोल्यूट कर सकते हैं। चलो करते हैं, 10 न्यूटन है, एक्सिस किसके साथ लगा हुआ है, एक्स के साथ। चलो यहाँ वाई एक्सिस भी बना लेते हैं, अब ठीक लग रहा है सर, अब ठीक लग रहा है। तो देखो 10 को घुमाओ, इधर कितना आ जाएगा, 10 cos 37, और जिसके साथ नहीं लगा हुआ उसके साथ 10 sin 37। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत? एक दूसरा वीडियो देखो, ये 15 का वीडियो देखने बोल रहे हैं, आदत हो गया है वीडियो दिखाने का। चलो 15 न्यूटन, जिसके साथ थीटा लगा हुआ है 15 cos 53, और जिसके साथ नहीं लगा हुआ है कितना, 15 sin 53। इसका भी काम हो गया। इसको पकड़ो, जिसके साथ थीटा लगा हुआ है 5 cos 37, है ना, और जिसके साथ नहीं लगा हुआ है उसके साथ 5 sin 37। इसका भी काम खत्म। चलो इसको, जिसके साथ थीटा लगा हुआ है 5√2 cos कितना, 45, और जिसके साथ नहीं लगा हुआ है कितना, 5√2 sin 45 डिग्री। चल भाई अब करते क्या है ना, अब करते क्या है ना, सारा वेक्टर रिजोल्यूट हो गया, अब सारा वेक्टर रिजोल्यूट हो गया तो हम ज़्यादा बिना माथा लगाते हुए कलर चेंज करके क्या करते हैं, सबका सॉल्यूशन लिख देते हैं। देखो 10 cos 37 डिग्री का मतलब 10 × 4/5 से जाएगा, ये कितना हो गया। यहाँ देखो 15 cos 53 का मतलब 15 × 3/5, ये कितना हो गया, कोई दिक्कत। यहाँ देख 15 sin 53 का मतलब 15 × 4/5 से गया, 3 बार में 4 3 कितना, और 5 sin 37 का मतलब 5 × 3/5 मतलब कितना, कोई दिक्कत। चलो ऊपर आ जाओ, देखो ये 5√2 × sin 45 कितना, 1/√2 कितना आ गया,
और इधर देख 10 into sin 37 कितना कितना हो गया, बहुत ज्यादा आवाज आ रहा है, इतना में कोई दिक्कत? चल इधर आ जा, 5 into cos 37, 5 गुने कितना, 4/5 कितना हो गया। और इधर देखो 5√2 और into 1/√2, √2 से √2 गया कितना हो गया, सबको अलग करके अब लिखें। चल भाई ये हुआ मेरा एक्स एक्सिस, ये हुआ वाई एक्सिस। चल पॉजिटिव साइड में बात कर, 8 और 9 कितना, इधर कितना लग रहा है, नेगेटिव साइड में कितना लग रहा है, 4 और 5 कोई दिक्कत, नीचे की तरफ 12 और 3 और ऊपर की तरफ 6 और 5 कोई दिक्कत। अब देखो इधर 17 इधर 9 तो किधर की तरफ होगा, 17 माइनस 9 कितना, आगे की तरफ, ऊपर अधिक लग रहा है कि नीचे अधिक लग रहा है, तो डायरेक्शन किधर की तरफ होगा कितना, 15 माइनस 11 कितना, कोई दिक्कत, यही एक्स एक्सिस था ना, तो एफ एक्स पॉजिटिव में है तो कितना, और एफ वाई नीचे की तरफ है नेगेटिव में है तो कितना, ठीक है, एफ एक्स और एफ वाई निकल गया। अब देखो कि एफ नेट निकालने के लिए सीधे सीधे क्या करो, √(fx)² + (fy)² क्योंकि फिर 2ab cos 90° करोगे 0 हो जाएगा, इसीलिए इतना लगा दोगे काम हो जाएगा, कितना √(64) + 16 जो आ जाएगा √ कितना 80 न्यूटन। समझ में आया कि नहीं आया? तो आज रिजोल्यूशन तक पढ़ाए थे, रिजोल्यूशन तक का क्वेश्चन डन, और क्वेश्चन करना है कि DPP मिल जाना चाहिए। अब DPP मिलेगा और नहीं बनाओगे तो पिटाओगे। देखो सीधा बात बता दे रहे हैं, देखिए बेटा ये आपको लग रहा होगा ना कि ये 10 क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के पीछे 3-4 लोगों की मेहनत होती है। सबसे पहले मेरा मेहनत कि हम हाथ से लिख के क्वेश्चन देंगे, दूसरा जो इस पर सबसे अधिक मेहनत करता है वो अमन करता है, किसको टाइप करता है, और तुमको लग ना रहा है कि ये वेक्टर का साइन यार सिंपल सा तो है, एक एरो लगाना है, कभी कंप्यूटर पे बैठ के लगा के देखना तो समझ में आएगा, ठीक ना, बहुत मेहनत करता है अमन, तब जा करके ये प्रिंट होकर के आप लोगों के हाथ में मिलता है। समझ में आया? और इस मिलने का अगर आप लोग सदुपयोग नहीं कीजिएगा तो फिर कहीं ना कहीं गलत बात है, समझे, इसीलिए डेली DPP जो मिले वो बनाइए। और अब न्यूमेरिकल पोस्चर अधिक घुसने लगा है, न्यूमेरिकल अधिक घुसने लगा है तो आपको न्यूमेरिकल्स में अधिक DPP मिलेगा। अभी देख लो अगले सप्ताह में वेक्टर का कम से कम 3 DPP दिलवाएंगे, कम से कम 2 या 3 तो दिलवाएंगे, ठीक है, नहीं तो ढेर। और अगला सप्ताह में हम लोग प्रयास करेंगे कि वेक्टर खत्म हो जाए और उसके अगले सप्ताह में हम लोग 12th का चैप्टर शुरू कर देंगे, ठीक है। तो पढ़ के आइए, घर पे थोड़ा सा पढ़ना शुरू करिए बेटा, खाली क्लास करने से कुछ नहीं होगा रे, खाली क्लास करने से कुछ नहीं होगा, समझा।